हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, आज हम आपके चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 12 साउंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 साउंड। बेटा ये चैप्टर जो है ये ऑलरेडी आप लोग 8th में पढ़ चुके हैं, एंड अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन से कैटेगरी का है, कैटेगरी इन सेंस फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो आप क्या बोलेंगे? फिजिक्स। ये कौन सा है? ये फिजिक्स का एक पार्ट है। ओके, तो बड़ा सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि साउंड होता क्या है। बड़ा आपने सुना होगा या आपको पता होगा, आपने कोई मूवी में देखा होगा कि अमेरिका साइड या इंडिया के बाहर के साइड ऐसे कंपटीशन होते हैं कि कौन अपनी आवाज से कांच का गिलास तोड़ सकता है। वो पतली आवाज में गाते हैं, बड़ा अजीब तरीके से ना, बहुत पतला गाते और बहुत ऊंची हाई पीच में गाते हैं, ग्लास टूट जाता है। समझ नहीं आया गाने से ग्लास कैसे टूट सकता है? हो सकता है ऐसा? कोई भी चीज अगर टूट फूट रही है या कोई भी चीज में मूवमेंट हो रही है, इसका मतलब हमने उसको एनर्जी दी। अब साउंड की वजह से अगर कांच टूट रहा है, इसका मतलब साउंड में भी एनर्जी है। यस, तो बड़ा साउंड की डेफिनेशन ही है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा ये एक एनर्जी ही है, एक प्रकार की ये एनर्जी है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन अवर ईयर्स। बेटा हमारे कानों में एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे कानों में सुनने की काबिलियत, सेंसेशन, एक सेंसेशन पैदा कर रही है। उस सेंसेशन की वजह से हम सुन पा रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, आप जो बोलेंगे वो मैं सुन पाऊंगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो बोलेंगे वो मैं नहीं सुन पाऊंगा, ठीक है? थोड़ा साउंड एक तरह की एनर्जी है। अब हमने इतने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड। इसका मतलब साउंड एनर्जी भी भाई बनाई नहीं जा सकती। हमने पढ़ा था वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका मतलब यार साउंड भी तो कहीं से पैदा होनी चाहिए, पैदा इन द सेंस कहीं कोई तो ऐसी एनर्जी होगी जिसको हम कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा, क्या होता होगा? पहले मैं आपको बताता हूँ कि साउंड जनरेट कैसे होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया तो साउंड मिला। बेटा देखो, आप जब किसी भी चीज को मारते हो और मारने की वजह से अगर वो वाइब्रेट कर रहा है, अगर वो वाइब्रेट कर रहा है तो ही साउंड आता है। जैसे कि साउंड आया लेकिन तुरंत खत्म भी हो गया, बिकॉज ये वाइब्रेट हुआ बट बहुत छोटे से समय के लिए, बहुत ही ज्यादा छोटे से समय के लिए। अगर मैं कोई लोखंड को मारूं, टंग ऐसी आवाज आती है ना। सो उसमें होता क्या बेटा, मान लो कि मैं एक मेटल फॉक ले लेता हूं, इसको हम क्या कहते हैं, मेटल फॉक, ठीक है? अगर मैं इसको यहां से मारूं किसी चीज से तो ये क्या होगा, पूरा ये वाइब्रेट होगा, ये चीज पूरी वाइब्रेट होगी एंड थोड़े लंबे समय तक होगी। सो ये वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हुआ वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई, वो वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई। सो अब यहां पे कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई यार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा जब मैं इसको मार रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको कोई ना कोई पोटेंशियल या तो फिर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं। देखो आप मंदिर में घंटी बजाते ना, जितना जोर से आप मारेंगे उतनी जोर से आवाज आती है, धीरे से मारेंगे तो धीरे ही आवाज आएगी, है ना? इसका मतलब जोर से मारने का मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा साउंड। तो आपने क्या क्या, और हो सकता है कभी कभार काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी हो, मतलब उल्टा भी तो पॉसिबल है। अगर मैं कोई चीज आपके ऊपर फेंकूं तो भी तो आवाज आएगी ना, आती है ना। सो मैं मारूं या कोई चीज मेरे ऊपर गिरे, मतलब या तो पोटेंशियल या तो काइनेटिक एनर्जी जब हम देंगे तो वो एनर्जी वाइब्रेशन में बदल रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाइब्रेशनल एनर्जी है। कैसी एनर्जी है,
वाइब्रेशनल बेटा एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ही होगी, वाइब्रेशनल जैसी कोई एनर्जी नहीं होती है, खाली अभी शुरुआत में समझने के लिए बता रहा हूँ। अभी कुछ ही देर में हम ये भी पढ़ेंगे कि एक्चुअली वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं होती है, एक्चुअली वो मैकेनिकल एनर्जी होती है, या आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, पता करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब प्रोड्यूस होकर जा कहाँ रही है? हमारे कानों में आ रही है। हमारे कानों में अगर एनर्जी आएगी तो अंदर कुछ तो ऐसा होना चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो हमको सुना रहा है। अब बेटा एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की भाषा समझता है, ये भाषा नहीं समझता। बड़ा अजीब माइंड है। अब ये तो इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं। तो बेटा हमारे कानों में एक सिस्टम फिक्स होता है जो कि हम चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, वो क्या करेगा, इस साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा ब्रेन कलेक्ट करेगा एंड उसको इंटरप्रेट करेगा। इंटरप्रेट करना मतलब समझेगा कि अच्छा हम फोन पे किसी की आवाज़ सुनते समझे ना, ये तो ये है, ये तो ये है, मम्मी का फोन है, पापा का फोन है, समझ जाते ना, हमारे ब्रेन को पता है किसकी आवाज़ कौन सी है। कई बार ऐसा होता है कि एक बार अगर आप आवाज़ सुन लो तो आपको लाइफ टाइम याद होता है। ठीक है, याद रहना ना रहना दैट्स डिफरेंट थिंग, क्लियर। तो बेटा ये था जनरेशन ऑफ साउंड। सो अगर कोई आपसे पूछे कि हाउ साउंड इज जनरेटेड, तो इसका आंसर आप कैसे बताएंगे उनको? साउंड इज जनरेटेड ड्यू टू द वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। बेटा इसको हम ऑसिलेशन भी कहते हैं। ऑसिलेशन का मतलब आपको पता होगा, वो घड़ी पेंडुलम पता है ना, एक एक पर्टिकुलर जगह से ये आ रही है, जाके वापस आ रही है, जाके वापस आ रही है, तो इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये वाइब्रेट मतलब एक जगह से ये बहुत ही फास्ट वो पार्टिकल अपनी जगह से मीन पोजिशन, उसको हम कहते हैं मीन पोजिशन से वाइब्रेट कर रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन या तो आप कह सकते हैं ऑसिलेशन ऑफ सम सब्सटेंस। जब तक कोई चीज वाइब्रेट नहीं करेगी तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ये बांध के चलना। आप चाहो तो अपने घर पे ट्राई करना, गिलास को कहाँ कोई स्टील का गिलास लेना, उसको नीचे से पकड़ना और उस पर चम्मच मारना, डम थोड़ा लंबी आवाज आएगी। फिर क्या करना, उसको ऊपर से पकड़ना और एक साइड से वापस चम्मच मारना, अपने हाथों पे मत मारना, ग्लास पे मारना। ठीक है, अब आवाज आएगी लेकिन गुंजेगी नहीं, लंबी नहीं जाएगी, डक डक बस इतनी आवाज आएगी। क्यों? बिकॉज आपने उसको वाइब्रेशन होने से रोक लिया। एक बार मारा तो वाइब्रेट हुआ, बिकॉज हमने काइनेटिक एनर्जी ये दी है तो कहीं तो एनर्जी जाएगी ना। सो एक बार वाइब्रेट हुआ, आपने पकड़ के रखा है, आपने ज़्यादा वाइब्रेट होने नहीं दिया, इसीलिए वो साउंड उसी समय बंद हो गई। लेकिन अगर आप नीचे से पकड़ रहे हैं, अगर आप उसको वाइब्रेट होने दे रहे हैं तो वो साउंड थोड़ा लंबा चलेगी, जब तक वाइब्रेट होता रहेगा तब तक। और बेटा ये वाइब्रेशन इतने छोटे होते हैं कि ये हमको दिखते भी नहीं है। कभी आप देखते हो कि हाँ देख गिलास वाइब्रेट कर रहा है, देख 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 देख, नहीं ना। अच्छा कई बार हमारा मोबाइल भी वाइब्रेट करता है, हमारे मोबाइल से भी किसी आदि ना आवाज़ ऐसी कुछ। सो क्यों आ रही है, वाइब्रेट कर रहा है तो आवाज़ आ रही है। सो दुनिया का कोई भी साउंड हो वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, वाइब्रेशंस। किसके वाइब्रेशन सर भाई? कोई भी चीज़ से। गिटार, गिटार में वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है ना, दैट्स इट। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये प्रोड्यूस हुई है, जनरेट हुई है, एनर्जी कन्वर्ट हुई है, तो ये हमारे कानों तक भी पहुंच रही है। ये हमारे कानों तक कैसे पहुंच रही है, चलिए उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो अब हम देख रहे हैं प्रपोगेशन ऑफ साउंड। बड़ा प्रपोगेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। कोई इंसान अगर चल रहा है तो हम क्या बोलते हैं, वॉक कर रहा है। वैसे ही कोई साउंड या कोई एनर्जी जब चलती है तो हम कहते हैं वो प्रपोगेट कर रही है। अच्छा साउंड बन गई तो वो हमारे तक पहुंच रही, तो कैसे पहुंच रही जरा हम वो देख रहे हैं। बड़ा सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक स्पीकर ले रहा हूँ और ये स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है। देखो स्पीकर में से बेटा आवाज़ कैसे आती है, स्पीकर के आगे
स्पीकर के आगे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम मतलब कि एक पतला सा प्लास्टिक जैसी चीज़ होती है, वो वाइब्रेट करती है। आपने कई बार देखा भी होगा कोई कोई स्पीकर में। अब जब वो वाइब्रेट कर रही है तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, गेटिंग। तो मान लो कि ये वो स्पीकर है और ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। अब जैसे ही स्पीकर ने वाइब्रेशन शुरू किया बेटा, इसके एकदम नज़दीक कोई ना कोई एयर पार्टिकल्स होंगे। हमको पता है ना कि एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स या बहुत सारे एक्स वाई जेड पार्टिकल्स हैं। सो होगा क्या बेटा, ये इन पार्टिकल्स को पुश करेगा। इसके पुश करने की वजह से ये सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट करना शुरू कर जाएंगे, टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेट को हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। जब एक ही जगह पे आना जाना होता है तो हम कहते हैं कि वो टू एंड फ्रो मोशन है। क्लियर? सो ये ना ये वाइब्रेशन शुरू कर रहा है, सारे सारे पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेशन शुरू कर देंगे सारे। होगा क्या कि बेटा ये अपने बाजू वाले पार्टिकल को अब धक्का मारेगा। बेटा ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही पार्टिकल है, एक ही लहर है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे। देखो मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से बनाने की कोशिश की है, बट पार्टिकल जैसा सच में ऐसा सुंदर नहीं, तो वो रैंडमली कहीं भी बैठे, कहीं भी। सो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये धक्का मार रहे हैं तो ये भी वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपने बाजू वाले को वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे करते 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 सारे पार्टिकल्स जो भी इनके आजू बाजू है वो सारे वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरे धक्का मारेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे करते 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 जब तक वो मेरे कानों में पहुंच नहीं जाता, तब तक ये कान है ठीक है, तब तक वो वाइब्रेट करते रहेंगे। समझ आ रहा है? अब यहां पर वाइब्रेशन बंद नहीं हुआ है, कान में घुसने के बाद भी वाइब्रेशन बंद नहीं हुआ। बेटा कान के अंदर भी आपको मालूम है छोटा सा हॉल होता है, वो हॉल के अंदर भी एयर पार्टिकल्स हैं। सो वो पार्टिकल्स बेटा, चलो हम यहां से ले लेते हैं ये। पहले तो ना बेटा हम पढ़ेंगे ईयर को डिटेल में, अभी खाली शॉर्टकट बता रहा हूं। ये जो हमारा बाहर का पार्ट होता है ना, इसको पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। बेटा ये इसका जो शेप है ना, वो शेप क्या करता है, ये सारी आते हुए वाइब्रेशन को एक जगह पे इकट्ठा करने की कोशिश करता है। हमारा कान क्यों ऐसा ऐसा थोड़ा कॉनकेव जैसा, ऐसा गुफा बनती है वैसा है ना हमारा कान, क्यों? बिकॉज उसकी कोशिश होती है कि वो जितने भी यहाँ पे वाइब्रेशन आ रहे हैं, ये पार्टिकल ने इसको धक्का मारा, ये कर रहा है, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा, ऐसे करते 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 वो कोशिश कर रहा है कि सारे के सारे वाइब्रेशन एक जगह पे जमा हो जाए, या सारे नहीं तो एटलीस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम वाइब्रेशन एक जगह पे जमा हो जाए। तो होगा क्या बेटा, पहले तो देखो यहीं पे साउंड थोड़ा बढ़ गया, आपने जो बोला उससे थोड़ा ज्यादा ही मुझे जा रहा है मेरे कान के अंदर। अब लेकिन बेटा ये वाइब्रेशन एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं। देखो वाइब्रेशन का मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज जब चलती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अच्छा अब बेटा अगर ये वाइब्रेशन बहुत फास्ट होते तो मुझे फील होता मतलब मुझे धक्का लगता, या कुछ ऐसा लगता कुछ आके टकराया मुझसे। बट मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या आपको कुछ लग रहा है, कोई झटका लग रहा है? नहीं। इसका मतलब ये वाइब्रेशन बहुत 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 छोटे हैं। अब इतने छोटे वाइब्रेशन को हम सुन ही नहीं सकते। सो होता क्या है कि जैसे ही वाइब्रेशन अंदर गया तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे होता है एक ईयर ड्रम। हम इसको डिटेल में देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। यहाँ पे होता है एक ईयर ड्रम जिसको बेटा कान का पर्दा कहते हैं। कहते ना कई बार कान का पर्दा फट गया, ये हो गया, वो हो गया। सो वो पर्दा एक ईयर ड्रम है, जैसे वो ड्रम आता है ना, ड्रम के ऊपर कैसे टाइटली बांधते हैं उसको, ढम मारो तो कैसी आवाज आती है, वैसा ये वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसने क्या किया बेटा, अब देखो साउंड को प्रोड्यूस मतलब फिर से एक साउंड को अंदर डाला, इन सभी को इकट्ठा करके एक साउंड बनाया। लेकिन वो वाइब्रेशन तो अभी भी बहुत छोटा है। सो वहां पे तीन अलग अलग हड्डियां होती है, बोन्स होते हैं, जो उस साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? साउंड की इंटेंसिटी को, वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद कुछ एक नस होती है, वो नस उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, ठीक है। सो इस तरीके से कोई भी साउंड वेव्स जनरेट होने के बाद हमारे कानों तक पहुंचने की कोशिश करती है, कोशिश क्या पहुंची जाती है। अब अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो आप लोग मेरे पास में बैठे हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से सुनाई देगा, लेकिन जो दूर रोड क्रॉस करके जो एक अंकल खड़े हैं उनको इतना अच्छे से सुनाई नहीं देगा। क्यों?
पहला रीजन कि बेटा जैसे जैसे मेरी एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है वैसे वैसे वो कम होती जा रही है, यस और नो? सो वो एनर्जी कम होती जाएगी बिकॉज एक दूसरे को टक्कर मारेंगे तो बेटा टक्कर मारने में कुछ तो एनर्जी लॉस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। मैं जब बोल रहा हूं आप सुनो, सर हीट कहां से बनेगी सर, बोलने से गर्मी थोड़ा लगती है? नहीं लगती है। मैंने क्या बोला कि वाइब्रेशन बहुत छोटे होते हैं, एनर्जी बहुत छोटी होती है, तो इससे जो हीट एनर्जी बन रही है वो भी बहुत छोटी होगी तो इसलिए फील नहीं होती है। बट एक पार्टिकल दूसरे को मार रहा है, एकदम मामूली सी हीट जनरेट हुई, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, ऐसे करते 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 थोड़ी बहुत एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो रही है। इसीलिए जब आवाज दूर जा रही है तो धीमे धीमे एनर्जी कम होती जा रही है, एनर्जी कम होती जा रही है, इसीलिए वो जो सामने खड़े हैं उनको आवाज हमारी अच्छे से नहीं आ रही है। कभी कभार बेटा ऐसा भी होता है कि जब बहुत तेज हवा चलती है ना तब भी आवाज दूर वालों को ऐसे सुनाई देती है। क्यों ऐसा होता है? तो बेटा पार्टिकल्स हैं आपके और मेरे बीच में, अब यहां से हवा चल रही है तो वो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है उसको चेंज कर रहा है, ये वाइब्रेशन यूं कर रहा है, हवा यूं आ गई तो थोड़ा तो वो साइड में शिफ्ट होगा ना, तो इसलिए हमें चिल्ला के बोलना पड़ता है अगर हवा ज्यादा चल रही है। ठंडियों में ये चीज देखी जाती है, आप कश्मीर चले जाओ वहां पे आपको ऊंचा बोलना पड़ता है अगर हवा है तो, समझ आ रहा है? सो मेन चीज है कि इसको प्रपोगेट होने के लिए बेटा पार्टिकल चाहिए, पार्टिकल के बिना ये प्रपोगेट नहीं हो सकती है, और ऐसी चीजें जो पार्टिकल्स के बिना प्रपोगेट नहीं हो सकती है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। एक्चुअली साउंड एक वेव है, इस पर हम हमारे अगले लेक्चर में ज्यादा डिस्कस करेंगे कि वेव, देखो वेव का मतलब क्या होता है बेटा, ये वेव्स है जो समुद्र में वेव आती है, बट ये कैसे साउंड वेव है ये हम हमारे अगले लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल इतना समझो कि इसको मैकेनिकल वेव कहा गया। साइंस के अंदर जो भी वेव, जितनी भी वेव एग्जिस्ट करती है ना, बहुत सारी वेव्स है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट वेव्स है, यूवी रेज है, बहुत सारी है, जितनी भी वेव्स है उसको मीडियम अगर चाहिए, अगर उसको मीडियम चाहिए तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। सो मैकेनिकल वेव का मतलब है साउंड नीड्स मीडियम टू प्रपोगेट। अगर मैं वैक्यूम में चले जाऊं, वैक्यूम मतलब स्पेस, अगर मैं स्पेस में चले जाऊं, आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपको चिल्ला के बोल रहा हूं ए तेरे तर, आप लोग हंसेंगे, आपको वो सुनाई नहीं देगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैं बड़े ही चेहरे पे स्माइल रखूंगा और आपको गालियां दूंगा, अबे तेरी तो ऐसा करता है, अबे हैं तेरा ये तेरा वो, मैं हंस के बोल रहा हूं, आपको लगेगा मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आपको एक्सप्रेशन दिख रहे हैं बट कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपने शायद कोई मूवी वगैरह में देखा हो, कोई स्पेस वाली मूवी होगी तो उसमें वो अलग से एक माइक्रोफोन लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं? अरे भाई स्पेस में कुछ है ही नहीं, कोई हवा नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो साउंड ट्रैवल ही नहीं कर पाती है। अगर आपको इसका एक्सपेरिमेंट करना हो आप क्या करना, एक कांच की बर्नी लो, अपना मोबाइल फोन उस कांच की बर्नी के अंदर रख दो और उस कांच की बर्नी को अच्छे से टाइटली बंद कर दो, टाइटली, और इससे कुछ और भी चीज करनी पड़ती है बट चलेगा, आप अपने फोन पे रिंग मारो, आपको फोन की आवाज ही नहीं आएगी, नेटवर्क तो अच्छा होगा, नेटवर्क खराब नहीं हो गया, नेटवर्क तो अच्छा होगा, अरे भाई जो वो साउंड जनरेट हो रहा है मोबाइल की वजह से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा भाई, वो मीडियम के अंदर है, मतलब जो अब आपने जब टाइटली बंद कर दिया ना तो वो वैक्यूम बन जाता है, क्या बनता है वो वैक्यूम बन जाता है, तो आवाज बाहर निकल ही नहीं सकती है, इसी वजह से वो आवाज हमको सुनाई नहीं देती। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप अगर कार के अंदर बैठे हैं, सारे शीशे बंद है, तो बाहर वालों को आवाज बहुत कम जाती है या तो बिल्कुल नहीं जाती है ना? सो हो क्या रहा है, चलो वहां पे तो बेटा थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वाइब्रेशन पे आपने रोक लगा दी है, कांच बंद करने से पार्टिकल्स वाइब्रेशन पे, देखो अभी हमारा क्लास है, क्लास का दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला होता तो बहुत आवाज आती है, दरवाजा बंद है तो कम आवाज आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा? बिकॉज जो वाइब्रेशन हो रहा था हमने उसको रोक दिया,
100% नहीं रोक पाए, 70% रोका, 80% रोका, तो 80% साउंड भी कम हो गई। क्लियर? तो साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट, जहां पे मीडियम नहीं है, जहां पे वैक्यूम है, वहां पे साउंड प्रोपोगेट नहीं हो सकती। क्लियर? ओके, अब अच्छा आज के लिए हम लास्ट चीज पढ़ लेते हैं। देखो, अगर साउंड प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेट मतलब चलना, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी। कभी कभार हमको साउंड ऐसा भी होता है ना, वो बोल रहा है और उसके कुछ सेकंड्स बाद सुनाई दे रही है, कोई दूर है तो उसके बोलने के बाद सुनाई दे रही है। इसका मतलब साउंड की स्पीड अलग अलग समय अलग अलग हो सकती है। तो वो स्पीड किस पर डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन किस किस पर डिपेंड करती है बेटा? पहला तो टाइप ऑफ मीडियम। बेटा देखो, अगर आप एयर में हो तो ठीक है, अच्छी बात है। वाटर में जाते हो तो आवाज बड़ी अजीब तरीके से आती है और काफी लेट आती है। अगर आप मान लो कि आप केरोसिन के अंदर डूब गए और वहां से कोई आवाज आ रही है, वो बहुत लेट आएगी। मतलब अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग रहती है। क्लियर? एंड यस, एयर के अंदर सबसे ज्यादा स्पीड होती है, लिख लेना, मैक्सिमम इन एयर एंड जीरो इन वैक्यूम। वैक्यूम भी बोल सकते हो या फ्री स्पेस भी बोल सकते हो, या ठीक है बस दो वर्ड, वैक्यूम या फ्री स्पेस। सेकेंड बेटा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। देखो, टेम्परेचर ऊपर नीचे होने के कारण जो पार्टिकल्स हैं, जो एयर है, वो पतली या मोटी हो जाती है। सो अगर पतली एयर है तो उसके पार्टिकल्स पतले होंगे, सो वाइब्रेशन थोड़े धीमे धीमे होंगे या थोड़े तेज होंगे, काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा होगी बिकॉज टेम्परेचर पहले से ही ज़्यादा है। गेटिंग? हमने पढ़ा था ना, अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, पढ़ा था कि नहीं? सो इस कारण टेम्परेचर अगर बहुत फर्क है, जैसे मान लो यहाँ 30 डिग्री है, किसी और जगह पे 80 डिग्री है, या मान लो कि -20 डिग्री है, सो वहाँ पे फर्क पड़ेगा। 4-5 डिग्री में कुछ खास फर्क हमको नहीं मालूम पड़ता। और तीसरा है ह्यूमिडिटी इन एयर। बेटा बारिश के समय भी आवाज बड़ी अजीब तरीके से कभी सुनाई देती है, जहाँ पे तेज बारिश हो रही है, बहुत लंबे समय से बारिश हो रही है। होता क्या है कि उस समय पानी में, एटमॉस्फेयर में पानी आ जाता है, मॉइस्चर। हमने पहले बात करके रखी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? एयर के अंदर वाटर क्वांटिटी, दैट इज ह्यूमिडिटी। सो पानी बढ़ने से पार्टिकल मोटे हो गए, पार्टिकल मोटे होंगे तो उसके काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा, काइनेटिक एनर्जी में फर्क आएगा तो सीधी सी बात है कि जो साउंड प्रोपोगेट कर रही है उसमें फर्क आएगा। क्लियर? सो ये तीन चीज है जिसपे साउंड की स्पीड डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। क्लियर? तो बच्चा लोग, आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम बात करेंगे कि साउंड कौन सी वेव है, टाइप ऑफ वेव कुछ डिस्कशन करेंगे, साउंड कौन सी वेव है वो बात करेंगे, एंड साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। थैंक यू।